आप जानते हैं कि हमने मिलकर यूनिट नंबर सेवन को स्टार्ट कर लिया है जी हाँ यूनिट नंबर सेवन का नाम है सर्चिंग यानी हम जो वर्ब यूज करने वाले हैं इस पूरे यूनिट में उसका नाम है सर्च हम ढूंढने वाले हैं बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे लोगों को तो आज हम लेसन नंबर फोर की बात करेंगे जहां बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एक और फोक टेल।, ये फोक टेल है दो भाइयों के बारे में टू ब्रदर्स का टाइटल है टू तो आइए आज की इस फोक टेल को हम फाइनली डिस्कस करते हैं so, 6, हमने फोक टेल्स के बारे में पढ़ा था किसको याद है कि टेल्स क्या होती हैं? जल्दी से बता दे मुझे वेरी गुड फोक ऐसी stories को कहा जाता है ऐसी moral stories को कहा जाता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होके हम तक पहुंचती हैं। और जब वो हम तक पहुंचती हैं, तो उनके अंदर चेंजेस थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी आ जाती हैं। और ये स्टोरी सुनाने वाले कौन होते हैं एंशियन पीपल पुराने लोग ये स्टोरी किस लिए सुनाई जाती है ताकि हमें मॉरल लेसन दिए जाए जिंदगी गुजारने के तरीके यानी कोई एक ऐसा मैसेज मिल जाए कि वो काम हमने अपनी जिंदगी में करना है या नहीं करना ठीक है हां जी तो ऐसी टेल्स मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज की भी होती हैं ठीक है ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी टेल्स हैं हर कंट्री की अपनी टेल भी हो सकती है बहुत ज्यादा भी हो सकती है तो आज हमने जिस फोक टेल के बारे में बात करनी है वो है तो पाकिस्तान का हिस्सा ही जी हाँ हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पाकिस्तान के अंदर से एक फोक टेल और पाकिस्तान के किस कल्चर की या किस इलाके की वो फोक टेल है वेरी गुड ये है जी नॉर्दर्न एरिया की हुंजा गए आप लोग नहीं गए कोई बात नहीं आपकी मिस भी नहीं गई लेकिन क्या आपने हुंजा की पिक्चर्स देखी है द नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की नॉर्थ में हुंजा से भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो बच्चों आपके एरिया की और आपके कल्चर की एक फोकटेल आज हम पढ़ने वाले हैं इज इन दैट इंटरेस्टिंग मजेदार काम है ना जबरदस्त तो ये फोकटेल बच्चों होगी दो भाइयों के बारे में इस फोकटेल का टाइटल है द टू ब्रदर्स यानी दो भाई उन दो भाइयों के नाम इस बुक में इस फोक टेल के अंदर लिखे हुए हैं मैं चाहती हूं कि ये स्टूडेंट्स मेरे जो अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे हैं इस फोक टेल को स्टडी करेंगे लेकिन मिस रेधा ने आपकी हेल्प के लिए बोर्ड पे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस आपके इस टेक्स्ट में जो लिखे हुए हैं यानी स्टोरी के अंदर बच्चों वो आपके लिए शायद नए हो या आपको थोड़े मुश्किल लगे या आपको उनका मीनिंग नहीं पता तो मिस मिसा ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है यहाँ बोर्ड पे मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं ये उन्हीं वर्ड्स के क्या है आंसर ये उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग्स हैं और साथ में दो मीनिंग्स मैंने लिखे हैं इंग्लिश मीनिंग भी और उर्दू मीनिंग भी ठीक है तो हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं मैं टॉप से स्टार्ट करती हूँ लेसन नंबर फोर आज हम कर रहे हैं जो कि क्या है रीडिंग का पार्ट पेज 157 एंड 158 फिफ्टी एट फोकटेल है फोकटेल का नाम क्या है वेल डन अच्छा हमने करनी है वोकेबलरी वोकेबलरी पेज 157 के ऊपर जो आपकी फोक टेल दी गई है बच्चों इस 157 के ऊपर जो एक टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के अंदर जो दी गई जितनी भी ऐसी वोकेबलरी है जो मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल लग रही है वो मैंने यहाँ लिख दिया आइए इनको स्टडी करते हैं सबसे पहला वर्ड बच्चों है बुलीड बुलीड ऐसा काम जो क्या होता है ऐसा काम जहां पर आप एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को तंग करता है वो ये भी कह सकता है कि ये मेरी पेंसिल है तुम मेरी पेंसिल मत लो या आप किसी को मुंह से बोल के किसी को तंग करें या हाथ से मार के तंग करें या किसी भी तरह किसी को बुरा फील कराएं। यानी आप अपने आप को दूसरे से सुपीरियर फील करा रहे हैं कि मैं अच्छा हूं और वो बुरा है तो इसको कहते हैं बुलिंग ठीक है बुलीज आपने स्कूल्स में देखा होगा ये लिखा होता है हर जगह बी अ बडी नॉट अ बुली यानी आपने बड़ी बनना है दोस्त बनना है बुली नहीं बनना तो ये उसी बुली की बात हो रही है बुलीट का मतलब होता है थ्रेटन किसी को डराना धमकाना या कोई ऐसी बात कर देना जिससे वो क्या महसूस करे कि उस गुंडागर्दी की जा रही है ये आपने सुना होगा इसका मतलब होता है बुलीट का मतलब होता है गुंडागर्दी करके दिखाना आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं डरा रहे हैं धमका रहे हैं किसी को इस तरह डरा धमका के उसकी चीज ले रहे हैं तो ये सब बुली के अंदर आता है ठीक है ओके नेक्स्ट वर्ड इज ओफ ओफ oath का मतलब है a solemnly promise about behavior आप जब एक दिल से वादा या हलफ उठा लेते हैं उसको कहते हैं oath आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट साहब जब यूं हाथ उठा के क्या करते हैं oath लेते हैं बताते हैं हमें हमसे वादा लेते हैं कि मैं अपनी पब्लिक के लिए अच्छा-अच्छा काम करूंगा तो ये जो हाथ उठा के oath लेते हैं उसको कहते हैं हलफ उठाना ठीक है यानी हलफ क्या होता है आप प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोगों से कि आप अच्छा बिहेवियर रखेंगे अच्छे एक्शन करेंगे ठीक है अच्छा अच्छा काम करेंगे सबके लिए हमेशा अच्छे काम करेंगे और पीस यानी अमन के साथ काम करेंगे ठीक है उसको कहते हैं हल्फ ओके जी अ फ्रेश इसको ऐसे पढ़ते हैं अफ्रेश एक साथ ही ठीक है कोई इसको सिलेबल वाइज तोड़ना नहीं है अफ्रेश इन अ डिफरेंट वे नए तरीके से आपने एक काम कर लिया पसंद नहीं आया तो हम ये कह देते हैं लेट्स डू इट अफ्रेश यानी इसको फ्रेश तरीके से यानी नए तरीके से दोबारा से कर लेते हैं ठीक है उसको कहते हैं नए तरीके से इन अ डिफरेंट वे नंबर फोर अबाइड बाय अबाइड बाय टू ओबे लॉ और रूल्स यानी ओबे का मतलब है मानना मानना या आप इसको कहें फॉलो करना ओके okay? या जब आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या लॉ को कानून को फॉलो कर रहे हैं तो हम कहते हैं यू आर अबाइडिंग बाय द रूल्स आप अबाइड बाय कर रहे हैं किसके रूल्स को या लॉ को इसको कहते हैं कवायद की पासदारी यानी कानून या कायदा जो भी है उसकी पासदारी मतलब उसको मानना फॉलो करना ठीक है ये जो वर्ड पासदारी है ना ये इसका यही मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं ठीक हो गया नंबर फोर रिकवर रिकवर ठीक है Safe from a mishap. किसी भी हादसे से बचाना ठीक है यानी रिकवर का मतलब होता है किसी हादसे से बच जाना ठीक है? यानी इस टेक्स्ट के अंदर रिकवर का मतलब है बचाना लिखा हुआ था ना कि खमेर जो है वो क्या कर रहा था उसने अपने बेटे को बचाने के लिए रिकवर करने के लिए उस ग्रेव से वो वहां जा रहा था तो यहाँ रिकवर का मतलब है निकालना एक्सट्रैक्ट करना या उसको कह सकते हैं बचाना जैसे कि नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिखा है मैंने एक्सट्रैक्ट टू टेक आउट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज के अंदर से निकालना ठीक है डिजेक्टेड डीजेक्टेड ठीक है अच्छा जी सैड एंड डिप्रेस्ड मायूस जब आप बहुत सैड हो जाओ डिप्रेस हो जाते हैं कोई लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा अफसोस में होते हैं अफसुर्जा होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि दे आर डिजेक्टेड और दे आर सैड एंड डिप्रेस्ड Prosper, prosper, succeed, तरक्की करना। यानी अपनी लाइफ में जब आप तरक्की कर जाए आप कर जाए, आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, डिवेलप हो जाए अच्छे हालात में आ जाए उसको कहते हैं प्रॉस्पर तो बच्चों ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस आपके सेंटेंसेस में आएंगे जो शायद आपको समझना आए या शायद आपके लिए नए हों उनको आपने क्या करना है पढ़ते हुए बार बार उस सेंटेंस को आपने दोबारा से पढ़ना है तब तक पढ़ना है जब तक उसका मीनिंग आपको समझ ना आ जाए इसको करने का एक यही तरीका है स्टूडेंट्स यहां तक की वोकेबुलरी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली अब आपका काम ये है कि आपने इस वीडियो को करना है पॉज जल्दी से पढ़ के आना है इस फोक टेल को वापस मिस रिदा के पास तब तक मिस बोर्ड के अगले हिस्से में जा रही है सो ग्रेड सिक्स पढ़ चुके हैं आप इस फोक टेल को आई एम रियली रियली होपफुल कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस फोक टेल को जल्दी से स्टडी कर लिया होगा और जितने वो कैबलरी के मिस श्रद्धा ने आपको हेल्प करके बताए हैं वो आपने यूज किए होंगे और उनके मीनिंग समझ आ गए होंगे तो बच्चों अगला काम हमारा है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का अब हम करने क्या जा रहे हैं वो जो अभी हमने फोक टेल पढ़ी है ना उसके ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं ठीक है थीके? आपकी बुक के पेज के ऊपर दो किस्म के क्वेश्चन लिखे हुए हैं एक रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है एक हमारे पास रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन है हमने बात की थी कि इंटरप्रिटेशन क्या होती है जब हम इस टेक्स्ट का या इस पूरी स्टोरी का मीनिंग लेने के लिए कुछ सवालों के जवाब देते हैं तो उनको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन यानी हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये स्टोरी के अंदर कुछ बातें जो नहीं भी लिखी हुई क्या उसकी समझ हमें आई है ठीक है तो इंटरप्रिटेशन का पोर्शन आज हम नहीं करेंगे हम सिर्फ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को 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 डिस्कस करेंगे तो आइए इस काम स्टार्ट करते हैं थिंक दैट ही शुड द लार्जर शेयर ऑफ लैंड क्यों लग रहा था कि उसको ज्यादा हिस्सा चाहिए उस लैंड का या उस जमीन का दो भाइयों में लड़ाई हो गई थी ना कि मुझे ज्यादा चाहिए मुझे ज्यादा चाहिए तो लेट्स राइट दी आंसर मैं यहाँ पे कुछ क्लूज लिखूंगी आंसर की आपने आंसर खुद से बनाना है आपको पता है ऐसे ही करते हैं हम इसको He thought that his brother has, has only one son, whereas he has seven. उसके सात बेटे थे he thought, हम खामिर की बात कर रहे हैं ना तो इसके लिए हम यही प्रोनाउन यूज करेंगे ही थॉट ही डिजर्व मोर उसको लगा था कि वो डिजर्व करता है कि उसको ज्यादा जमीन का हिस्सा मिले क्यों क्योंकि उसके पास सात बेटे थे लेकिन जो उसका भाई था खुरो, उसके पास सिर्फ एक बेटा था तो इसीलिए वो क्या करना चाह रहा था वो चाह रहा था कि लार्जर पार्ट जमीन का मुझे मिल जाए ज्यादा हिस्सा मुझे मिल जाए ओके क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द करेक्टर क्वालिटी करेक्टर है करेक्टर क्वालिटीज क्या होती हैं? नहीं पता कोई बात नहीं आज मैं श्रद्धा आपको बताने वाली हूँ करेक्टर कहते हैं एक इंसान के किरदार को यानी अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरा एक करेक्टर ये है कि मैं पढ़ाती हूं मैं बोलती हूँ मैं ऊंचा भी बोलती हूँ मैं आता आहिस्ता भी बोलती हूँ तो ये मेरा करेक्टर है ये मेरे करेक्टर की क्या है क्वालिटीज है कि मैं पढ़ाती हूँ और मैं खड़ी हुई हूँ मैं बोल रही हूँ ठीक है जो एक्शन आप करते हैं जो एड्जेक्टिव मेरे साथ यूज होंगे वो सारी बातें क्या होंगी मेरे करेक्टर का हिस्सा ठीक है तो जब हम करेक्टर क्वालिटीज की बात करें तो हमने बताना है कि दोनों भाइयों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती है वो अच्छी भी हो सकती है वो बुरी भी हो सकती है अब हमने क्या करना है इसको करने का तरीका यह है आप अपने बुक के पेज पे सेंटर में एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे लाइन लगाएंगे लाइन के इस तरफ हम लिखेंगे एक भाई का नाम खमेर लिख लेते हैं दूसरी तरफ हम लिखते हैं खरू अच्छा अब हमने क्या करना है दोनों तरफ हमने बातें बतानी है कि इनकी करेक्टर कैसे कैसे थे बारी बारी लिखते हैं पहले इसको फिल आउट करेंगे फिर उसको फिल आउट करेंगे मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिखूंगी आप जब इसको करेंगे तो आपने पूरे सेंटेंस लिखने हैं वो भी मैं आपको बताती हूं कैसे अगर आप खमीर की बात करें तो वो क्या था वॉज अनकाइंड ठीक है ही वॉज रूड उसके बाद और बताए यस ही वॉज एरोगेंट ठीक है उसके अलावा बताएं ड सेवन सन और उसके बाद कोई और बात भी बताएं ही वॉज अनकाइंड रूड ही बुली हमने बात की थी ना कि बुली था अब आप जब इन क्लू वर्ड्स को जब आपने लिखना है अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस बना के मैंने तो क्लूज दे दिए ना आपको आपने लिखना है ही वॉज अनकाइंड ही वॉज रूड ही वॉज एरोगेंट आपने इन वर्ड्स को लेके सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे मैंने बताया अब लिखते हैं इसके भाई के बारे में भाई के बारे में जी लिखो चलो ही वॉज अ काइंड मैन वो अपने भाई से लड़ाई नहीं करना चाहता था ही वॉज हम्बल वो रूड नहीं था वो हम्बल था ठीक है उसके बाद ही हैड वन सन एंड वी कैन राइट ही नहीं था चले अब आपने क्या लिखना है अगेन इनके आंसर कैसे देने हैं ही वॉज काम्बल ही बुली ठीक है kind, humble, son, इस तरह आपने बतानी है करेक्टर की क्वालिटी उसके अंदर क्या क्या चीजें अच्छी भी बुरी भी सारी बतानी है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री

That they start afresh. हमने बात की थी ना कि वो नए तरीके से क्या करें नए तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, फ्रेश स्टार्ट कर लें, ओके लेट्स आंसर क्वेश्चन नंबर फोर जी क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सप्लेन हाउ हमेर यूज हिज सन इन हिज प्लान टू डिसीव होरो अपने भाई को डिसीव करने के लिए यानी धोखा देने के लिए क्या किया था यस yes, उसने अपने बेटे को जमीन में बरी कर दिया था दफन कर दिया मैं यहां पे बारी बारी लिखती हूं ही his हिज सन इन grave. नंबर टू पॉइंट ये इसको नंबर वन पॉइंट कह देते हैं He used his voice, अपने बेटे की वॉइस एज द लैंड उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा नहीं बोल रहा ये लैंड की आवाज है यानी जमीन की आवाज है नंबर थ्री ही रिसीव्ड हिज ब्रदर उसने अपने भाई को क्या दे दिया धोखा दे दिया ही रिसीव्ड हिज ब्रदर और ज्यादा जमीन उसे ले ली उसके बाद फोर्थ पे क्या हुआ था यस ही लॉस्ट हिज सन जो जमीन के अंदर था वो वाला और नंबर फाइव ऑल हिज सन डाइड उसके सारे बेटे क्या हो गए थे बारी बारी दे पैस्ड हुए सबकी बारी बारी डेथ हो गई थी नंबर फाइव हाउ वॉज हमेर पनिश्ड फॉर हिज एक्शन इस बात का आंसर हम यहीं से ले सकते हैं ये लास्ट टू बातें जो हैं हमेर को उसके जो भी उसके एक्शन थे उनकी क्या सजा मिली क्या हुआ उसके साथ तो हम यहां लिखते हैं ही वन बाय वन ऑल हिज सन्स पास्ड अवे और डाइड जो भी आप लिखना चाहें एंड लैंड वॉस लेफ्ट एयरलेस यानी कोई उसका वारिस नहीं था एयरलेस कहते हैं जब आपके पास कोई वारिस ही नहीं है उस जगह को अपनाने के लिए हेरिटेज देने के लिए चले यहां तक हमने क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन का पोर्शन अभी हम स्किप कर रहे हैं हम अब डायरेक्टली आते हैं राइटिंग टास्क की तरफ राइटिंग टास्क है फिल इन द द द द गैप्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स वर्ड्स एंड फ्रॉम टेक्स्ट टू ब्रदर्स देखें और देंटेंगे हमने कहां से लेने हैं हमारे इस टेक्स्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको यूज करके हमने क्या करना है ये फाइव सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं अब बच्चों एक मेरी बात सुनो जब मैंने आपको वोकेबलरी कराई थी वोकैबलरी के टाइम पर हमने वहां पर देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कुछ फ्रेजेस भी ऐसे हैं जो मैंने आपको जिनका मीनिंग बताया था ठीक है अब हमने उन्हीं वोकैबलरी के वर्ड्स को यूज करते हुए यहां पर इन सेंटेंसेस को फिल करना है कैसे करेंगे मैंने वो वर्ड्स यहाँ लिख दी है रेड में ऑलरेडी मैं आपको बता देती हूँ जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं ये वोकेब्लरी में भी लिखे हैं फ्रेश अबाइड बाय एयरलेस ये नहीं लिखा हुआ था ओथ एंड सो बी इट ये दो बातें हमने कहा से ली है एल एस और बी इट ये क्या है ये हमने हमारे लेसन के अंदर से हैं। इनको करते की ने बोला, oh dear, your painting is such a तुम्हारी आई थिंक यू है क्या बताया था एक काम अच्छा नहीं हो रहा उसको दोबारा से अच्छा करने के लिए क्या करते हैं यस यू स्टार्ट ओके हमने right. कर लिया, आइए को solve करते हैं। तुम okay. तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते अगर तुम चीट करोगे, shouted Al -Kash. Al -Kash ने चीखा यू गॉट टू डैश द रूल्स तुम्हें रूल्स को क्या करना पड़ेगा वेल डन यू को फॉलो करना पड़ेगा चलो चलो हम सारी ज़िंदगी के लिए दोस्त बन जाते हैं. हैं. वादा करते रुसाना ने कहा लेट्स क्या करना चाहिए जी लेट्स कहा था ना अपने बिहेवियर एडेक्शन के लिए आप जो प्रॉमिस करते हैं उसको क्या कहते हैं ओथ नंबर फोर

आफ्टर हिज डेथ उसके पास कोई बेटा ही नहीं था तो अपनी जमीन किसको देता अपनी डेथ के बाद द लैंड वॉज लेफ्ट डैश एंड ले अन यूज फॉर मेनी ईयर द लैंड क्या जो लैंड थी वो कितने साल तक क्या रही थी मैंने आपको भी बताया है एयरलेस यस yes, कि उसके पास कोई ऐसा उसके पास औलाद नहीं थी इसलिए वो किसी को भी अपनी नहीं दे सका जमीन तो द लैंड वॉज लेफ्ट एयरलेस यहाँ तक का होता है हमारा आज का लेसन बिल्कुल कंप्लीट बच्चों इस फोक टेल से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज थी आज हमने वो सॉल्व कर ली इसके अलावा बुक में जो दी गई हैं आप उनको फिलहाल छोड़ भी सकते हैं मेन काम हमने आज कंप्लीट कर लिया बच्चों यहाँ तक ये लेसन होता है खत्म अगले लेसन में हम मिलेंगे एक और फोक टेल के साथ तब तक के लिए अपना काम करते रहिए स्टडीज करते रहिए और बहुत सारा मजा कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू लेसन अल्लाह हाफिज